श्री वाहेगुरु साहेब जी ओ मूक उचरै शास्त्र घट इंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जौ काल कृपा कराय तां बुद्ध प्रभु तुच्छ मारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधार जेता लियो पिंड सब तेरा तू अंतर जानी पुरख भगवान दासन दास कह ज्ञान नानक जे हाथ कराए ते आऊं करी बगयान दासन दास कह ज्ञान नानक कराए ते हाँ करी बख्यान परम सम्मान जो गुरु खालसा सात संग जीओ फतेह गयाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तो सात संगत जी आप सारे ही बड़भागे हो जित अकाल पुरख वाहिगुरु पार रहे परमेश्वर दे सरगुण सरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उपारण दुष्ट सबन को मूल उपारण दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब के सचखंड दरबार हाजरियां भरते हुए अपना लोक परलोक सवेला बना रहे हो कलगी दरदा समेत पिता जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो अमृत वेले अमृत बाणी श्री सुखमनी साहब जी के पाठ तो उपरंत पंजा बाणियों का नितनेम उपरंत आसन पूर्ण करने वाली श्री आसा जी की बात छक्के छंद शब्द कीर्तन आप सारे ने सरवण किया उपरंत सब से उत्तम हरकी कथा नाम सुनत दर्द लत्ता कथा सुनत मल सगरी खोवै साहिबां का गुणमान है सो साध संगत जी अज अमृत वेले जो पवित्र हुक्मनामा आया सी सोरठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारे प्रभ सभे काल सवारे हर अपनी कृपा धारी प्रभ पूर्ण पै सवारी अपने दास को पय सहाई सगल मनोरथ कीने करते मुनि बात न काई सहिता दे सरकार शांति दे महान पुंज नाम बाणी दे बोहित कलयुगी जीवन दे उधार करता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सोरठ राग विच अज दे हुक्मनामे द्वारा सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हैं गुरपुरा नमस्कार असी अपने पूरे गुरां नू नमस्कार करते हैं नमस्कार तां को लख बार लखां वारी नमस्कार करते हैं लखां वारी अपने गुरु के उपरों बलिहार कुरबान जाते हैं
बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए गर्त न लागी वार। पूरे गुरां दा तोल बोल सब पूरा है, पूरे गुरां दी बाणी भी पूरी है, इसलिए पूरे गुरां नूं मैं नमस्कार करदा। नमस्कार करन योग है जो वंदना करदा है उसनूं किसे प्रकार दा बंद ना बंधन नहीं पैंदे, सारे बंधना तो आजाद हो जाता है। तो पूरा गुरु बड़ियां भागां दे नाल प्राप्त हुंदा है, पूरे गुरां की प्राप्ति हरि की कृपा दे नाल हुंदी है। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश, हरि की कृपा दे नाल पूरा गुरु मिलता है। पूरे गुरां की महिमा भट्टां ने सवैये भी कीती है, गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै, गुरबिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै, गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सद कब न लिख, जिन गुरु न देखो नौ पियो ते अक्यत संसार में। नल नावे भट आखदा कि गुरु तो बिना घोर अंधार है, गुरु बिना मुक्ति नहीं, गुरु बिना शांति प्राप्त नहीं होंगी, गुरु तो बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होंगा, गुरु बिन ज्ञान ना होए। सो गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु की जो बड़ियाई है गुर पूरे की बड़ियाई ताकि कीमत कही ना जाए, उसकी कीमत कोई कही नहीं जाती। पूरे गुरां की बड़ियाई कथन तो परे है। गुरु साहब जी फरमाते हैं गुर पूरा नमस्कार है, प्रभु सभे काज सवार है, प्रभु ने मेरे सारे काम सवार दिते, कोई काम अधूरा नहीं छड़िया, सारे कार्य पूरे कर दिते। हर अपनी कृपा धारी हरि ने अपनी कृपा दृष्टि की, प्रभु पूर्ण पैज सवारी, परमात्मा ने मेरी पूर्ण पूरी इज्जत सवार दिती, चंगी तरह मेरी पद इज्जत रखी। सो गुर पूरे की पूरी, प्रभ रब रहा भरपूर, जो भरपूर है जला तरह आकाशा पतालों में, उस परमात्मा के सरू पूरे सतगुरां ने साड़ी काल कमाई पूरी कर दी, कबूल कर ली। काल कमाई में व्यर्थ नहीं गवाउंदा परमात्मा, या गुरु साहिब जी अपने सेवकों की काल कमाई में व्यर्थ नहीं गवाउंदे, उसका पूरा पूरा फल देंदे हैं, क्योंकि सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जड़ा कोई चित ला के सेवा करता है उसकी कामना पूर्ण होंगी है, उसकी काल कमाई पूर्ण होंगी है। तो गुरु साहब जी फरमाते हैं गुर पूरा नमस्कार है, प्रभ सभे काल सवारे, हर अपनी कृपा धारी प्रभ पूर्ण पै सवारी, अपने दास को भयो सहाई, अपने दासां दे उपर सहायक होया परमात्मा, वो पार ब्रह्म ही एक सहायक है, लोक परलोक का रक्षक है। मात पिता सुत बंधव भाई नानक होवा पार ब्रह्म सहाय, पार ब्रह्म ही सहायक हुंदा है, जिथे किथे जो कोई भी आराधा उत्थे मित्र वांग हाजिर होकर सहायता करता है। जिथा हर आराधी है तिथा हर मित्र सहाय, उत्थे मित्र वांग सहायता करता है। तो अपने दास को भयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, करते पुरख ने मेरे सारे मन के मनोरथ पूरे कर दिते, करते अकाल पुरख वाहिगुरु के सरगुण सरू पूरे सतगुरों ने मेरे मनोरथ पूरे कर दिते, मनोरथ पूरे सतगुर आप। तो उन्नी बात न गाई किसी गल की उनताई नहीं रही, रहाओ करता पुरख ताल निभाया, करते पुरख ने यह ताल सरोवर आप दिवाया आप लगवाया, संतां के कार्य आप खलोया हर कम करावन आया राम, करते पुरख ने यह ताल सरोवर अमृत सरोवर आप दिवाया आप लगवाया, करते पुरख ताल दिवाया पिछे लग चली माया, इसे करके माया साढ़े पिछे पिछे लगी चली आउंदी है, पिछे लग चली माया, टोट न कदूं आवे मेरे पूरे सतगुर भावे। हुण माया का कोई टोटा घाटा नहीं आता, क्योंकि धन सतगुरु अमरदास साहब महाराज जी ने श्री गुरु रामदास साहब महाराज जी के चरणी माया लगाई सी, सो पिछे पिछे तुरी आती है।
हूँ टोटा घाटा नहीं आता मेरे पूरे सतगुरां नूं एवें पाउंदा है। टोट न कदमू आवे मेरे पूरे सतगुर पावे। और गुरु साहिब जी फरमाउंदे हन अगली तुक विच सिम के जय जयकार गुसाई जिन पूरी बणक बनाई। मैं उस गुसाई का जय जयकार करदा और जिसने मेरी पूरी बणक बनाई। सारिया की बणक बनाउण वाला वो परमात्मा है। जिवें दुर्गा नामे पंडित की बणक बनाई सी जदों गुरु साहिब जी के उपर छड़ दिता के नाम दे धन दे न जन को धन विहीन जन जग न सुहाए। जे धन दे नाम न दे वै नाम बिना जन जमपुर जाए। गुरु अमरदास दे जो के नंदन ज्यों भावे त्यों बणक बनाए। जिवें तो आप जी की मर्जी तिवें बणक बना दे। तो जिन पूरी बणक बनाए संसार का पूरा थाट आप बनाओ बनाया परमात्मा ने और आप उदे विच समाया होया। पूरा थाट बनाया पूरा वेगो वेग समाना। इस परपंच में साचे नाम की वडियाई मत को धरो गुमाना। तो गुरु साहिब जी फरमाउंदे हन ते करता पुरख ताल दिवाया पिछे लग चली माया। टोट न कदमू आवे मेरे पूरे सतगुर पावे। सिमर सिमर दयाला सब जीव है कृपाला। जय जयकार गुसाई जिन पूरी बणक बनाई। कुंभारो स्वामी मोहरा एन पदार्थ तेरा। हे मेरे स्वामी तू सारिया तो बड़ा मालक है सारिया तो उच्चा ते बड़ा है। और ये पुन पदार्थ तेरा मेरे पास जो भी पदार्थ है तेरे पुन प्रताप का सदका मेरे पास है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है सब तेरा सदका है तेरा दिता हुआ है। जन नानक एक ते आया सर्व फला पुन पाया। मैं एक अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ध्याउणा कीता इस करके सारे फलां नूं पा लिया। ज्ञान फल मुक्ति रूपी फल सब फलां नूं पा लिया। जो फलदायक है गुरां दी सेवा। सतगुरु जी एक बिरख दी न्याई है। बिरछां नूं फल लगे हुंदे हन। गुरु रूप बिरछ दे नाल भुगती ते मुक्ति रूप दो फल लगे हुए हन। जिवें संसार बिरख को दो फल लाए इसे तरह गुरु रूपी बिरछ नूं भुगती मुक्ति रूप दो फल लगे हुए। ज्ञान अते मुक्ति रूप दो फल लगे। जो गुरु रूप बिरछ की सेवा करता है उसनू दोने फल की प्राप्ति होंदी है। सो साध संगत जी अज दे विचारां नूं ध्यान विच रखते हुए आओ लड़ीवार कथा दे नाल जुड़ गए।